खास मैं आपको सिटी टूर कराने वाला हूँ दापोली के सामने इन्फिनिटी मोटर्स है, मुझे लेने के लिए खास आए हैं कुकनी शादी वाले अमान इब्राहिम। दापोली का असिस्टेंट, एक खोन का एरिया, वराटकर कॉलेज के एक्स स्टूडेंट। इस इमारत को देखो, ये दापोली का सबसे पुराना जो है हॉल है रसिक रंजन। ये नेशनल हाई स्कूल का ये है कॉम्प्लेक्स है। अमान चिकते साहब, ये दापोली कोकन रत्नागिरी से हैं, इन्होंने मुंबई शादी या मुंबई रिश्ते के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ये दापोली की तरफ रोड जाता है, ये दापोली का पुराना चर्च ये सामने आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे ये अलबैक जो है, देख रहे हैं आप, अलबैक यानी अरबिन फूड्स भी तो मैंने मंगाया है। पंचमुखी मारुति मंदिर, ये सलमान होटल खास दिखाने के लिए लाए। ये सामने देख रहे हैं आप मस्जिद बाजार पेट की। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये जो है आज खास मैं आपको सिटी टूर कराने वाला हूँ दापोली के, और कार में बैठ के पूरी टूर कराऊंगा सिटी की, कोशिश करूंगा मैक्सिमम एरिया मैं आपको दिखा दूँ। तो मैं अपने गांव जामगे से 24 किलोमीटर दापोली में बाइक से आया हूँ। बाइक सामने इन्फिनिटी मोटर्स है हीरो का, तो हमारे भतीजे का रियाज नागुट ने और उनके पार्टनर है रेहान चिमावकर, तो वहाँ उनके यहाँ शोरूम में मेरी बाइक है ना पार्क करके रखा हूँ। और मुझे लेने के लिए खास आए हैं कुकनी शादी वाले अमान इब्राहिम, ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, और आगे इंतज़ार कर रहे हैं। चलो मैं उनको आपसे मिलाता हूँ। चलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम अमन भाई। रहमतुल्लाह बरकातहू, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बस होना। अमन भाई तुमकी मोहब्बत खतरनाक है। जी जी। तो अमान भाई जो है ना चिकते साहब कोकनी शादी वाले, मैं यहाँ खाली सिर्फ उनसे गले मिलने आया था, लेकिन ये गले पड़ गए। मैं अखलाक भाई अभी अपने को सिटी का टूर का एक व्लॉग बोला बोले मेरे साथ में, तो चलो अमान भाई कि मैं अपनी बाइक छोड़ा और आपकी एयर कंडीशन कार में ट्रेवल कर रहा हूँ सिटी टूर। अभी मैं हूँ अहमदनगर जो है यहाँ का खोंडा का, जहाँ हूँ ये इलाका खोंडा है और अहमदनगर इस तरफ भी है ना, अंदर अहमदनगर है। अहमदनगर से आगे बढ़ते हैं, आपको दापोली का सिटी टूर करा रहे हैं। हाँ, एक कोशिश करूँगा ये दापोली सिटी आपको दिखाने की। लोग ये सोचते होंगे कि चलो बैठे बैठे है ना आप वर्चुअल मेरे साथ दापोली का सिटी टूर कीजिए। दापोली मंडनगढ़ साइड से एंट्री कर रहे हैं, सामने HP का पेट्रोल पम्प है, और ये खोंडा का अहमदनगर छोड़ के अभी हम आगे चल रहे हैं। तो भाई यहाँ झंडे वगैरह लगे हैं शिवसेना के, कौन सा इवेंट है, कौन सा प्रोग्राम कुछ कोई आने वाला होगा। ये खोंडा का इलाका जो शुरू हुआ भी खास, जो पुराना खोंडा का इलाका, यहाँ के हमारे सब्सक्राइबर्स जो भी होंगे, ये जैसे मुकादम ट्रेडर्स इधर हैं, लक्ष्मी सेरामिक्स, ये फ्री पब्लिसिटी इन लोग की हो रही है। हाँ जी, अब ये खोंडा पूरा खोंडे के इलाके में, और पीछे जो मैंने इन्फिनिटी के सामने कहला जो था वो अहमदनगर है, न्यू डेवलप एरिया है। मंडनगढ़ दापोली रोड से एंट्री ऑलरेडी हो चुकी। इस तरफ भी देखिए सब मकानात भी है, इस तरफ भी बिल्डिंग्स देखिए। सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, आज का दापोली के सब्सक्राइबर्स के लिए ये डेडिकेटेड वीडियो है। तो चलिए आगे अभी बढ़ रहे हैं, और ये जो है छोटा सा ऊपर से ऊपर चढ़ान है। चलने दो अमन भाई, स्पीड बढ़ा दो थोड़ी। इधर है ये आमीना लेडीज कलेक्शन, ये हमारे गांव के है, और मेरी वो कजिन सिस्टर भी है हवा, ये इरफान हवा वाला उनकी शॉप। इस तरफ भी देखिए बिल्डिंग, और अभी हम लोग फिश मार्केट की तरफ आए हैं, है ना अमन भाई? मार्केट हाँ नहीं, इतना सरल गाँव है, स्टैंड वर्ड गाँव है अपनी गाड़ी। तो अभी हम स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, SC स्टैंड। अमन भाई उस चौक से है ना लेफ्ट साइड में स्टैंड की तरफ लेकर रिटर्न हम लोग आ जाएंगे, कैलस के नाका की तरफ जाएंगे। तो ये चौक है, इस तरफ है पुलिस स्टेशन दापोली का बिल्कुल सामने,
और सामने जो इमारतें नजर आ रही है वो गोडाउन है गवर्नमेंट का। इस तरफ स्टैंड है, हाँ ये एसटी स्टैंड, ये बिल्कुल सामने ऊपर चढ़ान चढ़ के आने के बाद एसटी स्टैंड है, दापोली का एसटी स्टैंड, और उसके सामने है ये उसी पार्क है ना, ये बिल्डिंग जो है हाँ नीचे है ये। इस तरफ देखिए ये सब मेडिकल स्टोर होटल्स वगैरह, इस तरफ नीचे की मस्जिद तक जाके हम रिटर्न आएंगे कोंड से। हाँ ये कोंड की तरफ अभी जा रहे हैं स्टैंड से। अभी ये रास्ता जो है ना दापोली खेड़ रोड, इस रोड को मैंने आपको फुरुस वाला जो दिखाया था तो इसी रोड से वो आता है, ये खेड़ की तरफ 26 किलोमीटर है यहाँ से खेड़। और ये यहाँ की मस्जिद, ये पीछे मस्जिद गई यहाँ की, एक खोन का एरिया। और हम लोग वर्ल्ड कॉलेज की तरफ चलते हैं अमन भाई, हाँ उसको थोड़ा बस ग्राउंड से रिटर्न ले लेंगे। जब सिटी का टूर करा रहे थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो गया, चलेगा सिटी टूर कराते। अभी यहाँ से अंदर ये वराटकर कॉलेज की तरफ हम लोग जा रहे हैं, वराटकर कॉलेज का रास्ता है ये। यहाँ के भी सब्सक्राइबर्स बिल्डिंग में रहने वाले देखेंगे लोग हमारा, ये वराटकर कॉलेज का बोर्ड लगा हुआ है, वराटकर और भेलो से कॉलेज। और ये सामने वराटकर कॉलेज की इमारत नज़र आ रही है आप लोगों को। यहाँ से जो जो पढ़ लिख के आए और यहाँ से एजुकेशन हासिल किया होगा पढ़े होंगे, ये उनकी कॉलेज की इमारत है। अपने दिनों को कॉलेज के दिनों को याद कीजिए अमन भाई, ऐसे लेफ्ट मार के हम लोग निकल जाते हैं। वराटकर कॉलेज के एक्स स्टूडेंट, इस इमारत को देखो, ये स्टैचू भी बना है। चले चलते वराटकर कॉलेज की तरफ से रिटर्न लेते अभी हम। इस तरफ भी कुछ इमारतें मकानात है। चले अभी नेशनल स्कूल की तरफ हम जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल जी, ये प्राइमरी स्कूल इस तरफ, हाँ ये प्राइमरी स्कूल है, बच्चे हैं। चलो ये दापोली का सबसे पुराना जो है हॉल है, रसिक रंजन नाट्य मंदिर दापोली, ये ड्रामा थिएटर वाला, और 1000 की कैपेसिटी का हॉल है ये अंदर, चीप एंड बेस्ट, कभी अगर इवेंट करना तो यहाँ कर सकते हैं। चलिए अभी अमान भाई हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सामने। हाँ सामने है ये, अभी जो इमारतें नज़र आ रही है ये नेशनल हाई स्कूल का, ये है कॉम्प्लेक्स है, और ये यूए दलवी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ये पत्रे का शेड में छुप रही चीज़ें। चलो अमन भाई चलते रहो, आगे गेट से ले लेंगे। ये यूए दलवी प्राइमरी स्कूल और ये नेशनल स्कूल का कॉम्प्लेक्स है जी, और ये इमारत हो रहा है। चलें आज़ाद मैदान है ना दापोली का, आज़ाद मैदान है सामने, ये पूरा काफ़ी बड़ा मैदान है। अभी दरख्त आए, यहाँ कुछ इमारत भी बनी हुई है, इस तरफ भी है ये ग्राउंड, पूरा आज़ाद मैदान दापोली का बहुत ही फेमस। दोस्तों सिटी टूर कराने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नॉन कोकनी मुस्लिम जो है वो शादी के रिश्ते के लिए परेशान रहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट मैं इस व्लॉग के जरिए करने जा रहा हूँ। तो ये अनाउंसमेंट ये है कि कोकनी शादी जो इनका प्लेटफॉर्म है लास्ट 4 ईयर से सक्सेसफुली चल रहा है, लेकिन नॉन कोकनी हमारे मुस्लिम जो है ना लड़कियों के लिए खासकर रिश्ते के लिए परेशान रहते हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म शुरू करें या उनके लिए सर्विसेज या खिदमत शुरू करें। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अमान चिकते साहब, ये दापोली कोकन रत्नागिरी से हैं, इन्होंने मुंबई शादी या मुंबई रिश्ते के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिससे लोग जुड़ना भी शुरू हुए हैं। उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं, वो अभी अमान भाई बता देंगे। नॉमिनल फीस या चार्जेस भी आपको ये पे करना पड़ेंगे, और ये ऑनलाइन रिश्ते होते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बाकायदा बनाए जाते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा कि आपको मैं स्क्रीन पर जो नंबर दूंगा अमान भाई का, आप फ़ोन करें, पूरी मालूमात लें, आप तसल्ली पूरी आपको जब हो जाए तब आप रजिस्ट्रेशन करें, तब आप उनकी फीस पे करें। अगर आप डिसएग्री करते हो तो बिल्कुल आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है,
किसी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई किसी तरह की चीटिंग की कोई उम्मीद भी मत रखिए। तो अमन भाई, ये जो है रिश्ते, इसका ये नया प्लेटफॉर्म का नाम बताइए क्या है? हमारा नया प्लेटफॉर्म है मुंबई रिश्ते के नाम से, जहाँ पे आपको सिर्फ मुंबई में रहने वाले जो नॉन कोकनीज है उनके लिए बनाया हुआ है, जिसमें शेख, अंसारी, खान, पठान, ये फैमिलीज के लिए। तो एक्चुअली हमारा ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है कोकनी शादी के नाम से, जिसको इस दिसंबर में 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि लोगों की डिमांड की वजह से बनाया, क्योंकि लोग हमें फ़ोन करते जो नॉन कोकनीज है, वो बोलते कि आमन भाई आप सिर्फ कोकनी के लिए कर रहे, हमारे लिए नहीं कर रहे। तो देखते हुए हमने नया प्लेटफॉर्म किया जिसका नाम है मुंबई रिश्ते। तो ये ओनली फॉर नॉन कोकनीज है जो मुंबई में रहते हैं, उनके लिए बना हुआ है। तो जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं वो अपना बायोडाटा, फुल साइज फोटो और एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह जो भी होगा, एनीथिंग, गवर्नमेंट का जो लीगल फोटो आईडी, एनीथिंग। और ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए बनाया हुआ ग्रुप है, बैचुलर्स इसमें अलाउड नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स ही कांटेक्ट करें। अगर कोई बैचुलर ही आपका वीडियो देख रहा होगा तो पहले अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें और उनको कॉल करने के लिए बोले, तो उनको ज्वाइन किया जा सकता है इसके अंदर। ओके, थैंक यू। अब बस स्टैंड की तरफ से निकल रहे हैं केलस्कर नाका की तरफ, ये यहाँ का बाजार वगैरह है, आप देख रहे हैं दापोली, बहुत ही कूल और अच्छा प्लेस, सिटी अच्छी सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है। ब्रिटिश के ज़माने में ये इसको कैंप दापोली भी कहा करते थे, एक कैंप कहाँ होता था, और एक चर्च भी है, वो भी थोड़ा दिखाऊंगा मैं। अभी हम यहाँ के कोर्ट के पास से गुजरने वाले हैं, दापोली सिटी का कोर्ट जो है ना, ये कोर्ट है, सिटी कोर्ट है यहाँ का, दापोली का तालुके का कोर्ट है। ये देखिए, ये मंदिर भी उसके पास बना हुआ है, और यहाँ का ये गार्डन है, पूज्य साने गुरु जी जो है, बालुद्यान, ये कलेश कर्नाके का अश्विनी नंदाई, और ये विजय होटल, इस तरफ है सरगुरु डॉक्टर साहब का मेडिकल, उनका ये हॉस्पिटल। ये दाबोल की तरफ रोड जाता है, ये दाबोल की तरफ रोड जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू बनाए केलस्कर नाका। चलिए अमन भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस तरफ हम चर्च की तरफ जा रहे हैं, ये एक ज़माने में डॉक्टर रोशन खान जो थे, डॉक्टर इब्राहिम खान साहब सरगुरु, उनकी यहाँ क्लिनिक हुआ करती थी, एडवोकेट रोशन खान, उनकी इमारत, दोनों का इंतकाल हो गया। यहाँ पे ये जो मशहूर जो फिश की होटल है वो भी आपको दिखाता हूँ मैं, ओम साई ये होटल, चलो। और ये दापोली का पुराना चर्च ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये चर्च है अभी, मतलब खस्ता हालत में है। तो चलिए अभी हम लोग सीधा निकलते हैं, लंच टाइम भी हुआ है, एक कोकनी होटल दिखाएंगे, उससे पहले ये साई प्रसाद जहाँ पे अक्सर पूरी भाजी खाते हुए मुझे देखे होंगे, ये यहाँ का पुराना भारत पेट्रोल पम्प, और जो दाबोल रोड बताया वहाँ पे काफ़ी अच्छा पेट्रोल पम्प भी है ये। और ये आगे जो कार्यालय, इधर देखो, ये महसूल जो विभाग है, यहाँ आप ज़मीन वगैरह जब खरीदते हैं तो यहीं पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। और ये भी इमारत है यहाँ इस तरफ, ये सरकारी इमारतें हैं, ये भी देखिए इमारतें। दापोली का जो आपको टूर करा रहा हूँ मैं, अमन भाई चलें। और इस तरफ है ना, ये म्यूज़ियम भी आ गया है, म्यूज़ियम, एग्रीकल्चर म्यूज़ियम, यूनिवर्सिटी भी पीछे गई, ये तलाटी हॉस्पिटल दापोली का। और अभी हम खाने के लिए जा रहे हैं, 2:15 बज के गया है, लेकिन आपको दिखाने के शौक में हम अपनी भूख को मार रहे हैं। तो ये बिल्डिंग है ना, यहाँ पे ये अल बैक जो है, देख रहे हैं आप, अल बैक यानी अरबियन फूड्स भी यहाँ पे दापोली में मिलना शुरू हो गए, आरबी फूड्स की तरफ से अल बैक, कभी भी आइए। ये सामने यूनियन बैंक है उस नीचे, और इधर है होटल लकी, हाँ यहाँ खाना खाने हम लोग जा रहे हैं। ये सामने छोटी सी होटल है लेकिन कोकनी होटल है, कोकनी फ्लेवर, कोकनी टेस्ट। तो मैंने मंगाया है ये वजरी पाव, चपाती, बाद में राइस लूँगा। और अमन भाई जो है इन्होंने मंगाया है दाल राइस, और ये क्या है, कौन सा, मच्छी बांगड़े का सालन। ओके अमन भाई जी, या सगलन जवाब बारह कर लगा। हमने खाना खा लिया, सामने विशाल फार्मेसी है, उधर सामने जो है ना अलबैक, इधर यूनियन बैंक, और इधर ये कैप्टन हाउस है। यहाँ पे मोस्टली शादी वगैरह होती है, जैसे इधर लिखा मैसूर कॉटेज वगैरह लिखा है, तो ये कैप्टन हाउस है, यहाँ पे वेडिंग सेरेमनी होती है। कैप्टन हाउस का ये वाइट कलर का है, वो एंट्री गेट है। कैप्टन हाउस के पास से हम निकले, अभी बाजार की तरफ जा रहे हैं। हिंदुस्तान बेकरी कहाँ गई, ये पीछे हिंदुस्तान बेकरी चले गए।
हाँ, और अभी चलने आगे हम सीधा जाएंगे बाजार से। दापोली का बाज़ार, और आज देखिए थोड़ा दुकानें दोपहर का टाइम है तो थोड़ा बंद भी है, भीड़ सुबह से थोड़ी अभी कम हो गई। चलो, ये है कैफे, कॉफ़ी डे, बिरयानी वाला रेस्टोरेंट, गांधी, लाल परी, इलेक्ट्रिक हार्डवेयर, भी नटरा स्वीट्स, इतने दावली से दुकान होता ही दावली तम्बक वाले इतने होते बोले। चलो अभी पुराने बाजार है तो रास्ते भी छोटे हैं। वो देखो दापोली के बाजार की मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है, दापोली की जमा मस्जिद शहर की। और इस तरफ भी यह है सब इलाके, गृहस्थु भंडार, इस तरफ से देखिए पूरा मीनार भी है, मारुति मंदिर आगे आएगा लेफ्ट हैंड पे। ये दापोली की जो नदी है छोटी सी शहर की, और ये पंचमुखी मारुति मंदिर दापोली का। अभी थोड़ा सा आपको इस गली में भी लेके चलते हैं, चूड़ियों का बाजार भी इधर, चूड़ियाँ लगी हुई हैं। चले भाई, ये सामने जगदीश होटल, इस तरफ से ये सम्मान होटल, खास दिखाने के लिए लाए, बहुत सारे लोग सम्मान में नाश्ता करते रहते हैं। सारी दुकानें वगैरह सब देखिए आप लोग। अभी हम लोग इस तरफ से निकलते हैं, और यहाँ पे पहले वो ये था, क्या बोलते हैं, नहीं गाड़ी चल भी बोलते हैं नहीं, और वहाँ एक था वो मुसाफिर खाना जैसा था, वो इमारत टूट गई है। हम वापस अभी यहाँ से लेफ्ट मार के निकल जाएंगे मस्जिद की तरफ से। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड का निकल गया है इलाका, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं पूरी सिटी का टूर कराने के लिए। हाँ, अच्छा दरगाह कहाँ, अच्छा ये लेफ्ट हैंड पे, ओके अच्छा यहाँ, चलिए आगे। ये मस्जिद है, एक मिनट, ये सामने देख रहे हैं आप मस्जिद बाजार पेट की, माशाल्लाह। हाँ ये देखो ये दुकान है, बाजार वापस मस्जिद के पास से, फिर वापस हम इस तरफ से जा रहे हैं। तो ये अहमदनगर की मस्जिद है, मकामी छोटी सी मस्जिद। चलें आगे अमान भाई। मेरी बाइक यहाँ पे पार्क है इन्फिनिटी मोटर्स के पास, आज बंद है। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि दापोली सिटी का पूरा टूर कराऊं, और शहर के आसपास भी सारी चीज़ों को मैंने दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं खास कर थैंक यू कहूँगा अमान भाई चिकटे साहब का, और कि उन्होंने मुझे साथ दिया, और अचानक ही हमारा व्लॉग बनाने का आइडिया आया। और उनका जो है मुस्लिम रिश्ते जो है उसके लिए भी आप मतलब जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसके लिए उनके पास इंक्वायरी के लिए कॉल करें, मुनासिब लगता हो तो आप रजिस्टर करा सकते हैं। Thank you for watching complete vlog. Thank you. Bye.